हेलो एवरीबडी वेलकम बैक टू द चैनल नाउ इन दिस वीडियो आई विल बी टॉकिंग अबाउट आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मुझे काफ़ी दिन से बहुत सारे कॉमेंट्स आ रहे थे और क्वेरीज आ रही थी रिगार्डिंग आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सो इन दिस वीडियो आई विल बी टॉकिंग अबाउट कि आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्क्रैच से कैसे स्टार्ट कर सकते हैं एंड आप उसको कैसे एडवांस स्टेज तक लेकर जाएंगे आई I मीन mean, आप सबको पता होगा कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इज अ वेरी मेजर पोर्शन ऑफ योर यू पी एस सी प्रिपरेशन इट इज़ बेस्ड ऑन दिस थिंग कि आपको मार्क्स मिलेंगे एंड फाइनली आपका नाम आएगा मेरिट लिस्ट में सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस एंड इससे पहले कि मैं आपको कुछ भी बताऊं आई जस्ट वांटेड टू टेल यू वन थिंग कि आंसर राइटिंग सब बहुत ज़्यादा बेसिक से ही स्टार्ट करते हैं नो बडी इज़ परफेक्ट इन दिस तो आप किसी भी स्टेज पर हैं सो डू नॉट पैनिक एंड आपको बस इतना पता होना चाहिए कि विद प्रैक्टिस ना ये चीज़ रिफाइन होती है एक बार में सबको आंसर लिखना नहीं आता द टॉपर्स आंसर कॉपी दैट यू आर सीइंग टुडे वो काफ़ी प्रैक्टिस के बाद और काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स के बाद आज वहाँ पर है कि उनकी रैंक आई है सो यू कैन डू इट टू सो इस चीज़ के साथ हम स्टार्ट करते हैं ओके okay? नाउ इस वीडियो में आई विल बी एड्रेस एड्रेसिंग बेसिकली दीज फाइव थिंग्स पहली है वैन दूसरी है हाउ मतलब आप कब स्टार्ट कर सकते हैं आपको कब स्टार्ट करनी चाहिए ठीक है दूसरा है हाउ कि आपको कहाँ से करना है तीसरा आई विल बी टॉकिंग अबाउट मीनस की टेस्ट सीरीज जो आप लेते हैं कि कब लेनी चाहिए लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए कहाँ से लेनी चाहिए फोर्थ इज़ अबाउट द सोर्स कि आप कहाँ से देखेंगे मतलब आप अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप कहाँ से देखेंगे कि प्रीवियस मतलब लाइक आई एल बी अबाउट प्रीवियस ए क्वेश्चन ओके सो दिस इज वॉट आई एम टॉकिंग अबाउट सोर्स कि आपको कैसे पता चलेगा कि आप कौन सा राइटिंग प्रैक्टिस कहाँ से करनी है फिफ्थ इज द टाइम लिमिट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एटलीस्ट इट वॉज अ इशू फॉर मी मेरे लिए स्टार्टिंग के चार जो हैं उनको मैंने फिर भी थोड़ा सा कर लिया था इम्प्रूव बट फिफ्थ वाली जो चीज़ है वो मेरे लिए अभी तक प्रॉब्लम थी दिस ईयर आई होप मैं उसको टैकल कर रही हूँ आई एम वर्किंग ऑन इट सो कमिंग डाउन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी थरो विद योर सिलेबस बिफोर राइटिंग आंसर्स ना आपको सिलेबस के कीवर्ड्स पता होने चाहिए यू शुड बी वेरी वेल वर्स्ड विद दी सिलेबस इंक्लूडिंग ऑल द सब्जेक्ट जो भी आने वाले हैं जी एस वन टू थ्री फोर बी इट एनी सब्जेक्ट आपको उसके की वर्ड्स पता होने चाहिए आपको पता होना चाहिए कि वट इज़ मैंशन इन दिलेबस प्रिलियम्स थोड़ा अनप्रडिक्टेबल होता है टफ होता है बट मीन्स की अच्छी चीज़ ये होती है कि उसके जो क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादातर सिलेबस से आते हैं दो तीन क्वेश्चन होंगे जो ऊपर से जाएंगे आपके लेकिन आप मैनेज कर लेंगे बेस्ड ऑन योर एग्जिस्टिंग नॉलेज ओके सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको पहले सबसे अच्छे से सिलेबस पता होना चाहिए सेकेंडली आपके पास कंटेंट होना चाहिए तो लेट मी कम टू दिस डायरेक्टली जो मेरे को बताना था आपको कि पहला मैंने आपको बताया कि आपको सिलेबस अच्छे से पता होना चाहिए दूसरी चीज मैंने बोला था कि एल बी टेलिंग यू कि आपको कब स्टार्ट करनी है ठीक है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जब आपको थोड़ा सा सिलेबस के साथ फेमिलियर हो गए हैं आप और आपने बेसिक सब्जेक्ट्स पढ़ लिए हैं नाउ यू आर मूविंग ऑन टू जी एस वन टू थ्री लाइक लोगों जो लोग कोचिंग ले रहे हैं उनके लिए और जो लोग नहीं ले रहे हैं मैं दोनों के लिए बता रही हूँ कि आप अगर कोचिंग ले रहे हैं तो आपके कोचिंग में पढ़ाया जा रहा होगा पॉलिटी पॉलिटी के साथ वो गवर्नेंस भी पढ़ा रहे होंगे या फिर इकोनमी है तो वो भी मे स्पेक्ट परस्पेक्टिव से पढ़ाई जा रही होगी सो वट यू हैव टू डू इस सपोज़ आप जी एस वन पढ़ रहे हैं ठीक है तो अगर आप स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं तो स्पेक्ट्रम के साथ साथ ना आपको उठाने चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए मेन्स के लिए ना हिस्ट्री का सिलेबस नहीं बदल रहा मतलब आई मीन टू से हिस्ट्री की बुक नहीं चेंज होगी दिस इज़ वॉट आई मीन आपको मेन्स के लिए भी उसी बुक से पढ़ना है बस फर्क इतना है आंसर करने के तरीके बदल जाएंगे प्रीलिम्स के टाइम पे आप थोड़ा फैक्चुअल चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं लेकिन मेंस के टाइम पे आप उसको सब्जेक्टिव रीडिंग देते हैं आपको रीजंस पता होने चाहिए चीज़ों के कॉन्सिक्वेंसेस पता होने चाहिए और इवेंट्स के बारे में पता होना चाहिए पर्सनैलिटीज़ किसका मेन रोल था किस हद तक रोल था ये सब आपको पता होना चाहिए दिस वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल फ्रॉम मॉडर्न हिस्ट्री आई वॉज टॉकिंग अबाउट लाइक आप यहाँ पर देखिए आई विल शो यू इन आई विल बी ब्रिंगिंग वन मोर वीडियो ऑन टू कि आप अपने नोट्स कहाँ से बना सकते हैं वॉट आर द रिसोर्सेज किस से अच्छा अच्छा आप बना सकते हैं उसके लिए आई विल बी ब्रिंगिंग अनदर वीडियो बट इन दिस आई एम जस्टिंग गिविंग यू एन एग्जाम्पल ओके सपोज आप स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं उसके बाद आपको क्या करना है कि आपका कंटेंट वहीं से आएगा uh, जो स्टैटिक्स सब्जेक्ट्स हैं जी एस वन में ना उसमें ज़्यादातर मोर और लेस आपके जो सोर्सेज हैं वही रहेंगे जो आपने प्रिलिम्स में पढ़े होंगे बस पढ़ने के तरीके मोस्टली बदल जाते हैं जैसे कि अगर आप मिनरल एंड रिसोर्सेज पढ़ेंगे तो वो मीन्स में ज़्यादा अच्छे से पूछा जाता है ज्योग्राफी का काफ़ी ज़्यादा वेटेज है सोसाइटी आप पढ़ेंगे तो वो तो मीन्स स्पेसिफिक है तो उसके लिए तो आप अलग से पढ़ेंगे बट ज्योग्राफी आई एम टॉकिंग अबाउट वो थोड़ा मीन्स ओरिएंटेड है तो उसके लिए आपको अलग से पढ़ना है बट आई एम टॉकिंग अबाउट आर्ट एंड कल्चर हो गया मॉडर्न हिस्ट्री हो गया उसके लिए आपकी बुक सेम रहेगी बस उसको पढ़ने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और वो आपको कैसे पता चलेगा कि चेंज हो रहा है उसके लिए आप यू उसी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम अबाउट द मिडल ऑफ द एटीन सेंचुरी ठीक है फ्रॉम अंटिल दी प्रेजेंट सिग्निफिकेंट इवेंट्स पर्सनैलिटीज़ एंड इशूज़ उन्होंने एक्सपेसिटली मैंशन किया हुआ है कि दे कैन आस्क यू अबाउट इवेंट्स पर्सनैलिटीज़ एंड इशूज़ ठीक है इतना आपको देख के पता चल गया कि वॉट इज रिटन इन दिस सिलेबस डायरेक्टली नाउ वॉट यू विल डू यू विल कम डायरेक्टली टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आई विल शेयर दैट इन मतलब मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी तो सपोज आपको दिख रहा है कि देर हैव बीन क्वेश्चन फ्राम एटीन फिफ्टी सेवन देर हैव बीन क्वेश्चन फ्रॉम गांधी एरा देर हैव बीन क्वेश्चन फ्राम सिविल डिस मूवमेंट देर हैव बीन क्वेश्चन फ्राम सोशियो रिलीजियस मूवमेंट तो आपको क्या करना है उस तरीके से पढ़ना है कि सपोज़ करिए कि उन्होंने 1857 के रीजंस पूछे हैं या फिर कॉन्सिक्वेंसेस पूछे हैं या फिर उन्होंने ये पूछा है कि हाउ मतलब उसके बाद चीज़ों ने कैसे चेंज हुआ इंडिया में व्हाट वर द थिंग्स दैट हैपेंड ब्रिटिश पॉलिसीज़ क्या रही 1857 के बाद मतलब आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल ओके आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग सो आपको क्या करना है ना सबसे पहले आपको अपने नोट्स पढ़ने हैं या फिर जो भी आपका रिसोर्स है आपको वो पढ़ना है गो टू दी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड देन सी कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं उस हिसाब से आपकी रीडिंग भी होगी उसी हिसाब से आपके नोट्स भी बनाए जाएंगे मैंने अपनी प्रीवियस ईयर वीडियो में बताया था कि वाइल मेकिंग नोट्स ना मैं उससे पहले बस आपको एक चीज़ बता दूँ कि किसी भी चीज़ का अगर आप नोट बना रहे हैं ना आपने क्या करना है सपोज़ आप किसी भी चीज़ पे बना रहे हैं मान लीजिए आप रेन्यूबेबल एक मिनट आप रेनबल एनर्जी पे बना रहे हैं सॉरी फॉर दिस ये मेरे पास थोड़ा दिक्कत है आई डो नॉट हैव दी टैब ना तो उसके चक्कर में कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं सो पार्डन मी फॉर दैट सो मान लीजिए आप रेन्यूएबल एनर्जी पे बना रहे हैं आप देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है तो आपको क्या करना है रेन्यूबल एनर्जी पे सपोज करिए उन्होंने आपसे पूछा है कि इंडिया की मतलब व्हाट इज़ द स्टेटस राइट नाउ ठीक है उसको देखते हुए दे विल बी आस्किंग यू या तो चैलेंजेस या फिर वो आपको पूछेंगे कि इनिशिएटिव्स क्या हैं ठीक है आई एम नॉट एबल टू राइट प्रॉपरली बट आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग ये हो गया और आप उसके साथ साथ चैलेंजेस आपने कर दिया इनिशिएटिव्स कर दिया इसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स ठीक है मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ना बेसिकली आपको जो भी पूछा गया है उसके बेसिस पर आप अपने नोट्स बनाएंगे ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि आपके नोट्स में क्या क्या होना चाहिए कि फैक्ट्स होने चाहिए उस चीज़ की डेफिनेशन होनी चाहिए और भी चीज़ें हैं जो आपको इनकॉर्पोरेट करनी है तो दिस वी विल बी टॉकिंग अबाउट लेटर कि नोट मेकिंग में ना दो एंगल्स होते हैं ये मैं आपको अभी से बता देती हूँ जब भी आप किसी चीज़ की नोट मेकिंग कर रहे हैं जस्ट रिमेंबर उसके पहले तो सिलेबस में ना जो उस टॉपिक का कीवर्ड लिखा है सपोज़ uh, मैं ऊपर जाके फिर से बताऊंगी आपको कि सिलेबस में उस चीज़ के लिए जो कीवर्ड लिखा है वो तो आपको देना ही है सपोज़ किसी टर्म uh, के आगे सा, uh, सीधे सीधे लिखा हुआ है कि यू हैव टू स्टडी इट्स चैलेंजेस गवर्नमेंट स्कीम्स इनिशिएटिव्स तो ये तीन चीज़ तो आप लिखेंगे ही लिखेंगे उसके अलावा उन्होंने उस टॉपिक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या पूछा है आप वो लिखेंगे ठीक है दिस हैज़ टू बी द प्रोसेस फॉर नोट पेकिंग ये मैंने बस थोड़ा आपको जस्ट में बता दिया था यू विल सी इट ओके तो आप ये देख लेंगे तो वेवर वी मैं ये बता रही थी आपको क्या करना है तो मैंने बता दिया है कि जब आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा सिलेबस का और आप एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ कंटेंट पढ़ चुके होंगे तब आप अटेम्प्ट करना स्टार्ट कीजिएगा विदाउट कंटेंट पढ़े आप मीन्स के आंसर्स ना लिखें तो ही बेहतर है क्योंकि आपको कंटेंट नहीं पता होगा तो आपको वैसे भी लिखने में ठीक नहीं लगेगा लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप पूरा एक साल ले लें फिर आपको लगे कि अभी भी मैं तैयार नहीं हूँ वो फीलिंग ऑफ कंप्लीशन कभी भी नहीं आएगी दैट इज़ अ मिथ कम्प्लीटली अमित कि आई एम नॉट फीलिंग कि मैंने कम्प्लीटली ये सब्जेक्ट पढ़ा है देर विल ऑलवेज बी एरियाज जो आपने नहीं पढ़े होंगे ओके नाउ कमिंग डाउन अब आपको कैसे करना है उसके लिए आपको क्या करना है आपको सबसे पहले कंटेंट लिखना है कंटेंट इन द सेंस बी जी एस टू या फिर जी एस थ्री आपको अपने नोट्स बनाने हैं नोट्स के लिए आई विल बी ब्रिंगिंग अप अनदर वीडियो बट फॉर नाउ आप ये समझिए कि आपको नोट्स लिखने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे और सिलेबस के कीवर्ड को ध्यान में रखते हुए जो जो कीवर्ड्स वर्ड्स हैं उस पर आपके पास मिनिमम टू फिफ्टी टू फाइव हंड्रेड वर्ड्स का कंटेंट होना चाहिए ठीक है दिस इज़ अ मस्ट उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे जब आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे ना आप तो आपने क्या करना है उसको एनालाइज करना है ख़ुद से अब खुद से एनालिसिस कैसे होती है लेट अस कम हेयर सबसे पहली चीज़ होती है एनालाइज़ करने में यू हैव टू कंपेयर इट विद मॉडल आंसर मॉडल आंसर आप मार्केट से कोई भी सी बुक उठा लीजिए जो आपको लगता है कि जिस जो प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड है और जो आपको समझ आती है लाइक like, मैंने पहले दृष्टि की ली थी लेकिन उसमें मुझे थोड़ा सा पार्टीशन कम लगा फिर आई चेंज इट टू अरेहंत क्योंकि उसमें ट्वेंटी फाइव ईयर्स के क्वेश्चन थे उसमें भी मतलब ठीक दिया हुआ था बट उसमें भी कुछ था कि क्लियर कट पार्टीशन नहीं लग रहा था कि इंट्रोडक्शन है कंक्लूजन है सो so, उसमें भी प्रॉब्लम थी देन मैंने शून्य का भी देखा तो जो रिसेंटली उन्होंने लाया है उसमें उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से इंट्रोडक्शन बॉडी और कंक्लूजन दिया है तो मेरे कहने का मतलब है जो भी बुक आपको सूट कर रही है आप उनमें से एक देख लीजिए आपको क्वेश्चन एज इट इज़ कॉपी नहीं करना है आपको बस ये देखना है कि वेदर यू हैव एड्रेस द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन ये सबसे बड़ी प्राइमरी चीज़ होती है जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं आपको ये पता होना चाहिए कि वो पूछ क्या रहे अगर आपने ये समझ लिया कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है क्वेश्चन की डिमांड क्या है ना तो आपने आधी चीज़ वहीं पे सॉल्व कर ली मोस्ट ऑफ द पीपल मिस इंटरप्रेट द क्वेश्चन ठीक है पूछा कुछ और जा, जाता है और आप लिखते कुछ और है सपोज़ कीजिए मैंने जो अभी एग्जाम्पल दिया था आपसे पूछा गया है एटीन फिफ्टी सेवन के रिवोल्ट के रीजनस आप लिख के आ गए हैं कॉन्सिक्वेंसेस आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको लगेगा आपने एक बहुत अच्छा कंटेंट लिख दिया है आपने कंक्लूजन भी लिख दिया है आपने इंट्रोडक्शन भी दिया है आपने बॉडी भी बहुत अच्छी लिख दी है यू हैव रिटन सेवन एट पॉइंट्स लेकिन आप ये भूल गए कि उन्होंने एटीन फिफ्टी सेवन के रीजंस पूछे थे और आपने लिख दिया है कॉन्सिक्वेंसेज तो इन दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क है और आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है सिर्फ एटीन फिफ्टी सेवन लिखने से आंसर सही नहीं हो जाएगा ना यू कैन नॉट राइट एनी थिंग अबाउट द एटीन फिफ्टी सेवन रिवोल्ट वैसे ही रेन्यूबल एनर्जी का भी है आपको ध्यान देना पड़ेगा कि वो पूछ क्या रहे हैं वो ट्रांजिशन के बारे में पूछ रहे हैं या फिर वो चैलेंजेस के बारे में पूछ रहे हैं फॉर दैट मतलब आपको जो भी क्वेश्चन पूछा है ना उसकी डिमांड को एड्रेस करना है सो आई होप आई एम क्लियर हेयर आपको ये चीज़ करनी है और दूसरी चीज़ होती है सबसे अटमोस्ट इंपॉर्टेंट डिमांड के बाद यू हैव टू एड्रेस ऑल द पार्ट्स ठीक है एड्रेस ऑल द पार्ट्स मतलब किसी क्वेश्चन में अगर तीन चार पार्ट्स दिए गए मेक श्योर यू आर आंसरिंग ऑल द पार्ट्स लेट मी टेक एन एग्जाम्पल हेयर ठीक है देखिए ये वाला क्वेश्चन इसमें क्या लिखा है ये ट्वेंटी ट्वेंटी टू का क्वेश्चन है डू यू थिंक इंडिया विल मीट फिफ्टी परसेंट ऑफ इट्स एनर्जी नीड्स फ्रॉम रेन्यबल एनर्जी बाई ट्वेंटी थर्टी ठीक है ये पहला पार्ट है दे आर आस्किंग यू कि क्या हम मीट कर पाएंगे ये जो टारगेट है हमारा फिफ्टी परसेंट वाला इसमें पूछा है जस्टिफिकेशन नेक्स्ट पार्ट इज हाउ विल द शिफ्ट ऑफ सब्सिडीज फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल टू रेन्यूएबल हेल्प अचीव द अबव ऑब्जेक्टिव दो पार्ट आपको शॉर्ट शॉर्ट दिख रहे हैं ठीक है तीसरा आप जस्ट बिकॉज इट्स अ फिफ्टीन मार्कर तीसरा आप अपने आप इनकॉर्पोरेट करेंगे वो होगा चैलेंजेस ये आपको आएगा विद प्रैक्टिस जब आप टॉपर्स आंसर कॉपी देखेंगे और आप मॉडल आंसर्स देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ठीक है कुछ क्वेश्चंस में जब वहाँ पे ऐसे पूछा होता है तो इट्स बेटर इफ़ यू गिव दी चैलेंजेस आल्सो बिकॉज इट इज़ अ फ़िफ्टीन मार्कर ठीक है लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि वैन यू आर राइटिंग समथिंग जो उन्होंने डायरेक्टली नहीं पूछी है तो उसमें दो से तीन पॉइंट भी बहुत होती हैं लेकिन जो चीज़ डायरेक्टली पूछी गई है लाइक इट इज़ आस्किंग यू की वेदर विल बी एबल टू मीट फिफ्टी परसेंट ऑफ आर एनर्जी टारगेट्स फ्राम रेन्यूएलबल एनर्जी उसमें आपको काफ़ी अच्छे पॉइंट्स देने हैं यू विल हैव टू राइट एटलीस्ट सिक्स टू सेवन पॉइंट्स और वैसे ही सेकेंड पार्ट में भी आपको इतने लिखने पड़ेंगे जो चीज़ डायरेक्टली मैंशनड है उसके पॉइंट्स आपको अच्छी खासा मतलब अच्छी खासी मात्रा में देने पड़ेंगे ठीक है सो आई होप आई एम क्लियर हेयर तो इसको आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं सपोज़ आप स्टार्ट कर रहे हैं तो किसी ने मुझे पूछा था कि आपको इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन की टेम्पलेट्स पहले से रेडी करके रखनी है तो वो आप एक एडवांस स्टेज पे तैयार करिएगा अभी आप पहले अपने कंटेंट बिल्डिंग पर ध्यान दीजिए कि आप अपना कंटेंट सही डिज़ाइन कर रहे हैं कि नहीं आपने रिन्यूएबल एनर्जी पे पढ़ा होगा अब आप इस क्वेश्चन को देखिए आप इसमें इंट्रोडक्शन बहुत तरीक़ों से कर सकते हैं आप चाहें तो रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया में जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है या फिर हम कितना वर्ल्ड में अमाउंट मतलब अकाउंट करते हैं वो लिख सकते हैं या फिर आप पंचामृत प्लेज से कर सकते हैं या फिर इंडिया का जो नेट जीरो टारगेट है बाय 2070 उससे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि इन ऑर्डर टू मीट आर नेट ज़ीरो टारगेट हमको ये चीज़ करनी पड़ेगी ठीक है तो आपने इंट्रोड्यूस इससे कर दिया नाउ आप कैसे बताएंगे कि हम फिफ्टी परसेंट टारगेट मीट कर सकते हैं तो आप बताइए कि गवर्नमेंट आजकल क्या कर रही है हमारी इंस्टॉल कैपेसिटी कितनी है और हमने कितनी इम्प्रूव की है वट आर द प्रोग्राम्स अंडर रनिंग लाइक कुसुम स्कीम है पी एल आई स्कीम्स हैं गवर्नमेंट इनिशियटिवस क्या आ रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं प्रमोट करने के लिए हम ई e व्हीकल्स को प्रमोट कर रहे हैं आप ऐसे लिखेंगे सेकेंड आप क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहे हैं हाउ विल द शिफ्ट ऑफ सब्सिडीज़ फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स टू रेन्यबल्स हेल्प अचीव द अबब ऑब्जेक्टिव ये आपका दूसरा पॉइंट है मतलब दूसरा पार्ट है बेसिकली ठीक है बॉडी में आपके दो पार्ट्स हैं आई एम रियली सॉरी फॉर द बैड थ्रूट थोड़ा गला मेरा ठीक नहीं है सो so, ये सेकेंड पार्ट था ठीक है आपको इसमें क्या करना है ये जो दूसरा पूछा है शिफ्ट ऑफ सब्सिडीज़ में इसके लिए आपको अलग से लिखना है ठीक है इसके लिए आप अलग से पॉइंट्स लिखेंगे देन यू विल कम ऑन टू दी चैलेंजेस चैलेंजेस आप बताइए कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स हम मतलब क्या प्रॉब्लम्स आएंगी हमारे पास फंडिंग का इशू होगा टेक्नोलॉजी का इशू होगा ये सारी चीज़ होंगी और कंक्लूजन आप फिर से कर सकते हैं कंक्लूजन में अगर आपने पंचामृत नहीं मेंशन किया था तो आप पंचामृत डाल सकते हैं एच SD, डी डाल सकते हैं क्लीन एनर्जी की तरफ मतलब आई होप यू आर गेटिंग वोट आई एम सीइंग ठीक है तो जब आप इसको लिखना ये विद प्रैक्टिस आपको आ पाएगा तो ये प्रैक्टिस आपकी कैसे होगी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटैम्प्ट करिए एज सुन एज यू रेड सम कंटेंट अटैम्प्ट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंपेयर इट विद योर मॉडल आंसर्स जो आप देख रहे हैं फिर आपको पता चलेगा वेदर योर डिमांड वॉज राइट और नॉट आई होप आई एम क्लियर विद दिस क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने पूछा था कि हाउ विल आई आइडेंटिफाई मेरी डिमांड सही है कि नहीं डिमांड आपको तब पता चलेगी जब आपने खुद अटैम्प्ट कर लिया है फिर आप उसको मैच कीजिए किसी मॉडल आंसर से या फिर आपने कोई ऐसा क्वेश्चन अटैम्प्ट किया जिसमें किसी टॉपर ने भी लिखा है तो आप उससे देख सकते हैं अगर आप एक मॉडल आंसर से सेटिस्फाइड नहीं है तो आप डायरेक्टली गूगल पे वो क्वेश्चन लिखिए आपको बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के आंसर्स दिख जाएंगे जो आपको लग रहा है कि बेटर आंसर है उससे कंपेयर कीजिए फिर देखिए कि कौन से पॉइंट्स हैं जो पक्का लिखे होने चाहिए तो और मेरे आंसर में नहीं है उनको अपने नोट्स में जाके ऐड ऑन कीजिए दिस इज़ द वे यू प्रोसीड और ये एक स्टेप बाय स्टेप मतलब प्रोसेस है आप ये नहीं सोच सकते कि आपने आज स्टार्ट किया और आपको अचानक से आ जाएगा सो so, हो गया एनालिसिस हो गया आपका जो मैंने आपको बताया कि आपने देख लिया और लास्ट में आपने वैल्यू ऐड करनी है जो आपको उसमें अलग से लगा आपको लगा कोई ऐसा फ्रेज लिखा था या ऐसा की था जो मैं अपने आंसर में लिखूंगा तो बेटर हो जाएगा सो यू शुड राइट दैट सो इससे क्या होगा आपका कंटेंट एनरिचमेंट भी होगा और लास्ट में ये टेस्ट सीरीज वाला सवाल आ रहा है तो अब मैं आपको बताती हूँ मीनस की टेस्ट सीरीज का ये एक बेसिक लेवल की प्रिपरेशन है आंसर राइटिंग की जो आपने कर ली और ये आपने प्रिलिम्स से पहले कर लेनी है फॉर दोज पीपल जो 2024 में देने वाले हैं आ, आपके पास अभी एक महीना है आप आराम से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं राइट एटलीस्ट फोर टू फाइव आंसर्स एवरी डे ठीक है मैं नहीं बोलूँगी कि सिर्फ एक आंसर लिखिए उसका फ़ायदा नहीं है दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं बोलना चाहती थी बहुत लोग ना एडिटोरियल या फिर कहीं से आर्टिकल पढ़ के उसका जिस्ट लिखते हैं डू नॉट फॉलो दैट प्रैक्टिस मतलब मुझे वो पर्सनली ठीक नहीं लगती इतनी अगर आपको सूट कर रही है तो दैट्स योर चॉइस बट आई वुड से कि आप प्रीवियस ये क्वेश्चन वाला अप्रोच लीजिए वो बेटर होता है हमेशा ओके सो डू दैट थिंग नेक्स्ट इस ये हो गया उसके बाद मैंने एक और क्वेश्चन का एग्जाम्पल लिया था यहाँ पर आई डोन्ट नो ये बड़ा क्यों नहीं हो रहा ओके नाउ सी दिस इज़ फ्रॉम जी एस टू कि मैं एक एग्जाम्पल दे दी हूँ कुछ समझाने के लिए कि दो द ह्यूमन राइट्स कमीशन हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड इमेंसली टू द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन इंडिया येट दे हैव फेल्ड टू असर्ट दैमसेल्व अगेंस्ट द माइटी एंड पावरफुल ये एक स्टेटमेंट दिया है उन्होंने उसके आगे दे आर आस्किंग यू अबाउट द स्ट्रक्चरल एंड प्रैक्टिकल लिमिटेशंस एक ये क्वेश्चन हो गया दूसरा है रेमेडियल मेजर्स ये दो क्लियर कट पार्ट हैं लेकिन जब आप ये पढ़ रहे हैं ना तो ये चीज़ याद रखिए जो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है ना कि ह्यूमन राइट्स कमीशन हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड इमेंसली ये सिर्फ उन्होंने ऐसे ही नहीं दिए है उनके कहने का मतलब है फर्स्ट यू हैव टू जस्टिफाई कि ह्यूमन राइट्स कमीशन ने कॉन्ट्रीब्यूट किया है ठीक है ह्यूमन राइट्स में इंडिया में उसके लिए आप पहले आपका आंसर पहले नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन सॉरी आपका जो पहले होगा वो हाँ एनएचआरसी को लेके आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं उसके बाद आप क्या करेंगे पहले आपको बताना है कि हाउ हैज़ इट कॉन्ट्रीब्यूटेड तीसरे स्टेज में आप ये लिखेंगे स्ट्रक्चरल एंड प्रैक्टिकल लिमिटेशन फॉलोड बाई द रेमेडियल मेजर्स और फिर आपका आ जाएगा कंक्लूजन दिस इज़ द वे यू आर यू हैव टू डू तो ये दोनों क्वेश्चन के मीडियम से मैं आपको बस बता रही थी कि हाउ आर यू सपोज टू अटेम्प्ट और वो विद प्रैक्टिस आपको आएगा मैं भी अभी परफेक्ट नहीं हूँ आई एम ऑल्सो इन दैट स्टेज मुझे जितना आता है आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू विद दैट कि आप ऐसे लिख सकते हैं अगेन इसको भी आप बाद में जब आप लिख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा जब आप कंपेयर करेंगे अपने आंसर्स दैट हैव ऑलरेडी बीन प्रोवाइडेड इन मॉडल मॉडल आंसर्स या फिर टॉपर की आंसर शीट्स में आप देखेंगे तो वहाँ से आपको बहुत सारे फ्रेजेज कुछ मल्टीपल पॉइंट्स मिलेंगे जो बहुत ज़्यादा जगह यूज़ किए जा सकते हैं कि हाउ दे आर अड्रेसिंग आप देखेंगे कि कुछ थीम्स हैं जिसमें उनका इंट्रोडक्शन सेम रहता है बस वो उसको घुमा के कर देते हैं लाइक आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि मीन्स में आपके पास लिमिटेड कंटेंट होता है बट आप उसको मोल्ड करते हो अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ क्वेश्चन ओके सो वी आर डन विद दिस नाउ लेट मी गो अब मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक बतानी थी बिफोर आई एंड दिस वीडियो आई जस्ट टेक टू मिनट टू थ्री मिनट्स मोर जो लोग ऑलरेडी कोचिंग की टेस्ट सीरीज में हैं और एक है जिन्होंने अभी तक फॉर्मूला आंसर राइटिंग नहीं की है ठीक है मतलब आपने कोई टेस्ट सीरीज नहीं ली कुछ नहीं अभी दो तरीके के लोग होंगे जो ऑलरेडी एक कोचिंग ले रहे हैं एक है जिनको आंसर राइटिंग का कोई प्रैक्टिस नहीं है तो पहले लेट मी टॉक अबाउट द कोचिंग वाले लोग या फिर जो जुन, जिन्होंने कोई टेस्ट सीरीज ली है प्लीज़ जो आपने ली है ना उसके टेस्ट लिखिए एक्चुअल में होता क्या है ना सपोज आपने कहीं पर भी लिए टेस्ट सीरीज या फिर आपने जहाँ पे भी आ, आप कोचिंग कर रहे हैं अभी क्या होगा वो लोग आपको पॉलिटी पढ़ा रहे होंगे या जी पढ़ा रहे होंगे दे मस्ट भी गिविंग यू कि आप आंसर लिख के लाइए आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि मैं कैसे लिखूं आपको नहीं समझ आ रहा आई हैव टोल्ड यू हेयर आपको जो कंटेंट क्लास में पढ़ाया गया है ना आप उसके बेसिस पे आंसर करने की कोशिश कीजिए इससे क्या होगा ना एटलीस्ट आपको लिखने की प्रैक्टिस होगी ये क्यों ज़रूरी है क्योंकि आप आज नहीं तो कल लिखेंगे बस फर्क इतना होगा कि ऑल दोज पीपल हु आर पेइंग मनी फॉर दैट ना आप आज नहीं लिखेंगे तो आप कल लिखेंगे और जब आप कल लिखेंगे ना तब तक आपकी कोचिंग ख़त्म हो चुकी होगी आपको समझाने वाला कोई नहीं होगा इंस्टेंट चेक करने वाला भी कोई नहीं होगा आप क्या करेंगे कि दोबारा टेस्ट सीरीज़ में एनरोल करेंगे उस चीज़ के पैसे देंगे सो फॉर दोज पीपल जो ऑलरेडी कोचिंग कर रहे हैं या फिर जिन्होंने टेस्ट सीरीज़ लिखी है प्लीज़ सीरियसली जाकर अपना टेस्ट लिखिए बिकॉज इट हैपन्ड विद मी मैंने टेस्ट सीरीज़ ली थी बहुत महंगी आती है मीनस की टेस्ट सीरीज़ ओके okay? ट्वेंटी फ़ाइव टू थर्टी थाउजेंड इतना स्मॉल अमाउंट नहीं होता आप उतने पैसे दे रहे हैं उसके बाद क्या हो रहा है कि आप जा रहे हैं अब मान लीजिए दस क्वेश्चन लिखने थे या पंद्रह या बीस जो भी क्वेश्चन थे उसमें से आपने अटैम्प्ट सिर्फ सात आठ किए और आप वापस आ गए आपको लगा कोई बात नहीं मेरा पूरा सिलेबस होगा फिर मैं अटैम्प्ट करूँगा और वो प्रोकेस्टिनेशन के चक्कर में पता ही क्या होता है आप टेस्ट लिखते नहीं हो और आप टेस्ट नहीं लिखते हो आपका पैसा भी वेस्ट होता है आपकी एनर्जी भी वेस्ट होती है और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होती है वो अलग बात है ठीक है सो बी सीरियस विद दैट आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा आपको आंसर नहीं आता होगा आपको बस उसी इनर्शिया को ओवरकम करना है एंड पहला आंसर किसी का भी अच्छा नहीं होता था जो भी टॉपर्स की आंसर कॉपी आप देख रहे हैं जिन भी लोगों को आप देख रहे हैं आज लिखते हुए उन्होंने भी पहली बार आंसर लिखा था और जो कॉपी आज आप देख रहे हैं वो उनके सिलेक्शन होने से जस्ट पहले की होती है ठीक है वो काफ़ी इम्प्रूवमेंट के बाद कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आपको अपनी साइट्स पे दिखा रहे होते हैं कि ये टॉपर की कॉपीज हैं उनको लेके कॉम्प्लेक्स लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आप अपने फेस पे हैं आप अपने पेस पे तैयारी कीजिए बट स्टार्ट कीजिए कहीं से स्टार्ट कीजिए स्टार्ट राइटिंग दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट डू नॉट वेट फॉर द राइट टाइम कि मुझे सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा पूरा जी हो जाएगा या फिर पूरा पॉलिटी खत्म होगा देन ओनली आई विल राइट डू नॉट डू दैट एटलीस्ट बी इन प्रैक्टिस लिखना स्टार्ट कीजिए रीड अ डिसेंट अमाउंट ऑफ कंटेंट कि आपने थोड़ा सा पढ़ लिया है उसके बाद आप लिख रहे हैं लेकिन थोड़ा सा पढ़ने का मतलब ये नहीं होता यू आर वेटिंग कि मेरे पूरे चारों सब्जेक्ट्स हो जाएंगे उसके बाद मैं लिखूंगा सपोज़ आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री एज सुन एज यू फिनिश उसका लिखिए सपोज़ आज आपने सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स पढ़े तो सोशल रिलीजियस मूवमेंट में से देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में क्या आए थे जो आए थे आप उनको अटेम्प्ट करके देखिए कि मेरे से हो रहे हैं कि नहीं नहीं हो रहे तो दोबारा उस चीज़ को पढ़िए और फिर देखिए कि कैसे अटेम्प्ट करना था दिस इज द अप्रोच यू हैव टू डू एंड फॉर दोज पीपल जो कोई फॉर्मल आंसर राइटिंग में नहीं लिए हैं आप प्रीवियस ये क्वेश्चन से अप्रोच स्टार्ट कीजिए जैसे मैंने पहले बता दिया है वीडियो में अब इसके बाद क्या होगा ना आप जो फॉर्मल टेस्ट सीरीज अगर आपको लेनी है मतलब फॉर मी आई डिड नॉट टेक दिस टाइम क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं लगी थी मैंने पिछली बार लिया था तो मुझे समझ आ गया था मोस्टली आप अगर ले रहे हैं तो वो आप तब लीजिएगा जिस दिन आपका प्रलिम्स हो जाएगा तब आप किसी फॉर्मल इंस्टीट्यूट में जाके कोचिंग लीजिए मतलब टेस्ट सीरीज लीजिएगा उस पर आप मेंटर्स से पूछ भी पाएंगे अभी क्या होता है ना जब आपको आंसर राइटिंग का कोई प्रैक्टिस नहीं है कोई आइडिया नहीं है ना आप टेस्ट सीरीज लेंगे आप पूरे टेस्ट लिखेंगे भी नहीं आपको मार्क्स आएंगे आप मार्क्स देख के शांति से बैठ जाएंगे कि ठीक है मेरे इतने नंबर आ गए कोई बात नहीं मैंने सात क्वेश्चन किए थे ऑन इन एवरेज चार पांच चार पांच नंबर मिल गए बट क्या हो रहा है ना आप वहाँ पे जाकर बात नहीं कर रहे उनसे पूछ नहीं रहे कि वेर एम आई लैगिंग बिहाइंड मेरे आंसर में क्या प्रॉब्लम है इफ़ यू आर पेइंग फॉर इट गो एंड आस्क देम वट इज़ द प्रॉब्लम इन माई कंटेंट मैं कैसे इसको इम्प्रूव करूँ वर्क ऑन दैट थिंग और अगर आपने नहीं किया है तो बहुत अच्छी बात है आप पहले प्रीवियस ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए वंस यू गेट थ्रू द प्रिलम्स तुरंत आप किसी आ, को मतलब टेस्ट सीरीज में एनरोल कीजिए उसके बाद कीजिए और आप नहीं भी करते हैं तो आप प्रीवियस ही क्वेश्चन के बेसिस पे मतलब मार्केट में ऑलरेडी मीन्स जो भी टेस्ट सीरीज होंगी ना वो मार्केट में भी आ जाती हैं थोड़े दिनों में दो तीन दिन के अंदर में तो आपको मिल जाएगी आप उसके मॉडल आंसर्स के थ्रू अपने आंसर्स चेक कर सकते हैं वॉट आई मीन इज राइट और जिस चीज़ के लिए आप पे कर रहे हैं उसको प्लीज़ पूरा यूटिलाइज कीजिए डू नॉट डू दैट हम क्रिटिसाइज़ बहुत जल्दी करते हैं कि ये यह यहाँ पे अच्छा नहीं है वहाँ अच्छा नहीं है बट आप पहले अपनी तरफ से पूरी कोशिश तो कीजिए उसको पूरा करने में यू आर नॉट आंसरिंग एंड यू आर क्रिटिसाइजिंग एवरीथिंग कि मेरे को कुछ नहीं बताया गो एंड आस्क है ना तो आई होप आई एम क्लियर विद दिस कि आपने लिया है टेस्ट सीरीज़ ली है या नहीं लिए है डैट डज नॉट मैटर नहीं लिए तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कीजिए हर कोई टेस्ट सीरीज नहीं लेता नॉट एवरीबडी कैन अफोर्ड इट मैंने नहीं ली थी और मुझे फ़िलहाल जी के आंसर्स में कोई दिक्कत नहीं है मेरी प्रॉब्लम आंसर कंप्लीशन में मेरा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट नहीं हो रहा था एंड आई टेक दैट रिस्पांसिबिलिटी ऑन मी कि इट वॉज़ माई मिस्टेक ठीक है सो यू हैव टू डू दिस तो मैंने बता दिया कि गेट योर सेल्फ एनरोल्ड इन अ टेस्ट सीरीज ओनली आफ्टर यू हैव डन बेसिक अमाउंट ऑफ आंसर राइटिंग एट होम उसके बाद क्या होगा ना आपको पता होगा कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है उस हिसाब से आप उनसे पूछ भी पाएंगे एंड यू विल गेट योर सेल्फ टेस्टेड ओके सो आई होप आई एम क्लियर विद दिस सो इट वॉज टिल दियर ओनली और रही बात टेम्पलेट्स के लिए जिन लोगों ने मुझे पूछा था कि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के लिए होनी चाहिए वो आपको विद टाइम पता चल जाएगा व्हेन आई विल बी मेकिंग अनदर वीडियो ऑन नोट मेकिंग आई विल बी टेलिंग यू कि आपको नोट मेकिंग में जैसे जी एस वन है तो जी एस वन में क्या चाहिए जी एस टू है तो उसमें आपको जजमेंट्स चाहिए होंगी कमिटीज़ चाहिए होंगी मतलब कमिटी रिकमेंडेशन चाहिए होंगी आर्टिकल्स मैंशन करने होंगे जो भी आप नोट्स बना रहे हैं वैसे ही जी एस थ्री में यू विल हैव टू इनकॉर्पोरेट फैक्ट्स देयर आपको वहाँ पे भी कमिटीज़ मेंशन करनी होगी जो भी नीति आयोग की बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं आपको वो लिखना पड़ेगा सो दिस आई विल बी टेल टेलिंग यू इन नोट मेकिंग ये आपको पता चल जाएगा जब आप आंसर्स अटेम्प्ट करेंगे मतलब आप मॉडल आंसर्स देखेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा सो दिस इज़ समथिंग दैट आई टोल्ड यू कि आपको कैसे स्टार्ट करना है यू हैव टू सो जस्ट टू वाइंड अप इन वन मिनट आपको सबसे पहले कंटेंट पढ़ना है उसमें से नोट्स बनाने हैं बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस का की वर्ड ओके जब आपने बना लिया नाउ गो टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड ट्राई टू अटेम्प्ट दैट आपको जैसे आ रहा है वैसे लिखिए कंपेयर इट विद द मॉडल आंसर और फिर आप देखिए कि वॉट डिड यू डिमांड मतलब डिड यू एड्रेस द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन क्या आपने सारे पार्ट्स आंसर किए और इनिशियली आप क्या कर सकते हैं ना डू वन थिंग अल टेल यू वन थिंग मान लीजिए कोई क्वेश्चन है वन पार्ट टू पार्ट थ्री पार्ट जैसे मैंने अभी दिखाया ओके okay, तो आप देख लीजिए कि आपके क्वेश्चन में ना तीन पार्ट होने चाहिए तो आपको क्लियर कट पता चलेगा कि वेदर आई वड्रेस दी ऑल डिमांड्स की नहीं ओके okay, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका तो आंसर दो ही मतलब एक ही पार्ट को एड्रेस करने में आपने दोनों पन्ने भर दिए डोंट डू दैट ठीक है बी सिस्टमेटिक आपके पास टाइम भी कम है और वो भी और आई एम रियली सॉरी आई टू टेल यू वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग टाइम मैनेजमेंट टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि वो मेरे साथ इशू था बट जब आप इनिशियली स्टार्ट कर रहे हैं यू डू नॉट हैव टू फोकस ऑन टाइम लिमिट आपके जब ये सारे स्टेप्स हो जाएँ तब जब आपका आंसर एड्रेस हो रहा है आंसर राइटिंग सही जा रही है लास्ट स्टेप होता है आपको टाइम मैनेज करना है जब आपको कंटेंट याद होगा तो आप टाइम मैनेज भी कर लेंगे ठीक है वो डिपेंड करता है कि आपने ट्वेंटी में से कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए तीन घंटे में उस हिसाब से आप इम्प्रोवाइज करेंगे तो आप उसको करिएगा सो टाइम मैनेजमेंट इज इम्पॉर्टेंट बट दैट इज द लास्ट स्टेज जब आप जो कंटेंट पढ़ा है उसको रेप्लीकेट करने लग जाएंगे आई होप आई वॉज क्लियर इन दिस वीडियो अगर आपको कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी आई विल बी पुटिंग अप अनदर वीडियो विद दैट और ये थोड़ी लंबी हो गई बट इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू टेल यू ओके सो आई होप आई एम क्लियर विद दिस थैंक यू सो मच इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन ड्रॉप अ कामेंट इन दी कॉमेंट सेक्शन या फिर आप मुझे टेलीग्राम पर कर सकते हैं और मैंने इससे रिलेटेड जितने भी रिसोर्सेज हैं बेस्ट प्रैक्टिस जजमेंट्स उसकी मैंने पी डी एफ टेलीग्राम चैनल पर डाली हुई है सो टिल देन नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन नोट मेकिंग तो मैं आपको वो बता दूँगी कि हाउ आर यू सपोज टू मेक नोट्स टिल देन टेक केयर थैंक यू